सो फाइनल दोस्तों मुझे एक ऐसा चीज क्या मिल गया जो Realme C3 डिवाइस के लिए जो कि यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस पर भी काम कर रहा है, यानी कि Realme UI 2.0 पर एंड साथ ही साथ Realme UI 1.0 या फिर आपका जो भी एंड्रॉइड 10 वाला वर्जन है उस पर। सो दोनों भी अगर आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 11 है या फिर एंड्रॉइड 10 है तो दोनों भी डिवाइस के लिए जो जी कैम अच्छे तरीके से वर्क करने वाला है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ सैंपल शेयर कर देता हूँ जो कि मैंने पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर किए थे हमारे Realme C3 डिवाइस में। सो हमें जो कुछ इस तरीके के सभी यहाँ पे आउटपुट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं Realme C3 डिवाइस में इस जी कैम के साथ। सो प्रीवियसली दोस्तों मेरे डिवाइस में जो एंड्रॉइड 11 इंस्टॉल था एंड उसकी वजह से यहाँ पर जो कोई भी जी कैम मेरे डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा था। सो फाइनली यहाँ पर मुझे एक जी कैम मिल गया है जिसमें जो है लगभग काफ़ी चीज़ें जो है वर्किंग है। यहाँ पर हमें स्लो मोशन देखने को नहीं मिल रहा है एंड साथ साथ कुछ इशू भी हमें कौन से ये भी बताऊँ। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड की मैंने अभी भी आपको सैंपल शेयर किए, कुछ इस तरीके के आपको सैंपल जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्किंग है। उसके बाद में जो आपका कैमरा मोड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्किंग है एंड साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो नाइट साइट है वो भी यहाँ पर वर्क कर लेता है, मगर आपको जो वीडियो मोड है एंड साथ साथ स्लो मोशन है ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। मगर इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो अगर आप यहाँ पर जी कैम के साथ वीडियो को शूट करना चाहते हो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आपको जी कैम गो यूज़ करने आपके डिवाइस में, तभी आप यहाँ पर जो जी कैम के साथ जो यहाँ पर वीडियो है वो शूट कर सकते हो। अदरवाइज तो यहाँ पर रियल मी C3 डिवाइस में एंड्रॉइड 11 के साथ पॉसिबल नहीं है। मैंने काफ़ी सारे जी कैम से यहाँ पर ट्राई किए, काफ़ी सारे बग्स देखने को मिले, कभी कभी जी कैम इंस्टॉल नहीं हो रहा, कभी कभी क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं वीडियो पर स्विच करता हूँ तो कैमरा जो कम्प्लीटली क्रैश हो रहा है, मगर अगर आप यहाँ पर जी कैम गो यूज़ कर रहे हो आपके रियल मी C3 डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 11 बेस्ट, तो यहाँ पर जो अच्छे तरीके से आपका वीडियो शूट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर हमें जो पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिल जाता है जी कैम गो में, मगर यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड इतना अच्छा नहीं है। पोर्ट्रेट मोड के लिए जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया वही जी कैम जो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। मगर गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे लोग वीडियो शूट नहीं करते जी कैम के थ्रू, अगर वीडियो शूट नहीं करते तो यार सिंपली आप जो प्रीवियस वाला वर्जन जो मैंने बताया बस उसको इंस्टॉल कर सकते हो, जी कैम गो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जी कैम गो में हमें पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, मगर इतनी उसकी जो क्वालिटी इतनी अच्छी खासी हमें देखने को नहीं मिलती। सो इन दोनों का भी लिंक में जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिंक्स मिल जाएंगी, दोनों में डाउनलोड कर सकते हो आप अगर आप चाहते हो तो, अदरवाइज एक भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।